दोस्तों, पिछले 10 सालों में अगर किसी चीज में बदलाव आया है तो वो है युद्ध, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ हर देश अपनी तकनीक को और बेहतर करने में लगा है। अमेरिका जैसे विकसित देश तकनीक में विकास करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया ऐसे हथियार बनाने में लगा हुआ है जिसमें इंसानों की जरूरत ना पड़े। इसे एक तो यह फायदा होगा कि युद्ध में सैनिक के मारे जाने का डर नहीं होगा, और साथ ही अपने दुश्मनों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकेगा। रूस, अमेरिका और चीन ऐसे देश है जो हथियार के मामले में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं और लगातार अपनी तकनीक पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में चौथा दावेदार भी खड़ा हो गया है, और वो है भारत। चीन और पाकिस्तान के चालबाजियों से परेशान होकर भारत भी अपना कदम आगे बढ़ा रहा है, और उसने भी अपने बेड़े में एक से बढ़कर एक घातक हथियारों को शामिल कर रखा है और कई हथियार बनाने में लगा हुआ है। तो चलिए जानते हैं भारत के इन्हीं कुछ घातक हथियारों के बारे में जो हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा देते हैं। जिन हथियारों को देखकर आप भी कहेंगे लाजवाब, घातक और शानदार। अग्नि पी या अग्नि प्राइम अग्नि श्रृंखला की एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि श्रृंखला भारत के मीडियम रेंज से इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का एक परिवार है। अग्नि प्राइम को अग्नि 1 और अग्नि 2 और पृथ्वी जैसी पुराने पीढ़ी के मिसाइलों को बदलने के लिए विकसित किया गया है। इसमें मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल यानी MRAV और कंपोजिट मोटर जैसे कई महत्वपूर्ण अपग्रेड किए गए हैं। साथ ही इसके प्रोपेलेंट, नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम में भी सुधार किया गया है। अग्नि सीरीज की अन्य मिसाइलों की तरह इसे भी DRDO ने ही डिजाइन किया है, और भारत के सामरिक बल कमान यानी SFC के इस्तेमाल के लिए BDL द्वारा निर्मित किया जा रहा है। सामरिक बल कमान भारत के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी NCA का हिस्सा है। यह देश के सामरिक और रणनीतिक परमाणु हथियारों के स्टोर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जिम्मेदार है। अग्नि पी को या तो ट्रेन में ले जाया जा सकता है या फिर कनस्टर में भी रखा जा सकता है। अग्नि पी MIRV क्षमता से लैस भारत की पहली मिसाइल है, जिसका वजन अग्नि 3 से 50% कम है, लेकिन यह अग्नि 3 मिसाइलों की तुलना में 20% अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम है। यह एक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV मिसाइल है, जो एक साथ एक देश के कई जगहों पर या फिर एक शहर के कई जगहों पर हमला करने में सक्षम है। दूसरा XR SAM मिसाइल। XR SAM का मतलब एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे DRDO द्वारा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रूप में विकसित किया गया है। इस मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल MRSAM और S-400 के साथ किया जाएगा। XR SAM मिसाइल सिस्टम में फाइटर जेट के खिलाफ 250 किलोमीटर की रेंज होगी, और यह क्रूज मिसाइल, सी स्किमिंग, एंटीशिप मिसाइल, मिड एयर रिफिलर और अवॉक्स जैसे खतरों को भी नष्ट करेगा। इसमें टर्मिनल स्टेज में बैलिस्टिक मिसाइलों और स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को नष्ट करने की क्षमता होगी। XR SAM फ्रेगमेंटेशन का उपयोग वॉरहेड के रूप में करेगा, और ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूल को वॉरहेड के विस्फोटक के लिए फिट किया गया है। भारत सरकार के 2024 तक इस मिसाइल को भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल करने की योजना है। तीसरा कैट्स वॉरियर। वॉरियर ड्रोन के पहले प्रोटोटाइप के 3 से 5 साल के भीतर उड़ान भरने की उम्मीद है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की ओर से इसके लिए फाइनेंशियल मदद की जा रही है। कैट्स प्रोग्राम के तहत देश में अगली पीढ़ी के कई हथियार और उपकरण विकसित किया जा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे खास है कैट वॉरियर। वॉरियर ड्रोन की खासियत यह है कि हम तेजस के साथ कई वॉरियर ड्रोन को संचालित कर सकते हैं। ड्रोन के पीछे आइडिया है कि हर हवाई मिशन पूरी तरह से सफल रहे और पायलट की जिंदगी सुरक्षित रहे, लिहाजा पायलट के साथ ड्रोन की पूरी कमांड होगी जो उसके सुरक्षा कवच का काम करेगी। वॉरियर हवा से हवा में और हवा से सतह पर मार करने वाले मिसाइलों से लैस होगा, ताकि हवा और जमीन दोनों जगह पर दुश्मन को जवाब दिया जा सके। इसकी एक खासियत यह भी है कि यह ड्रोन आपातकालीन स्थिति में सेल्फ ऑपरेट भी कर सकता है। स्वदेशी लड़ाकू विमान की ढाल बनने के साथ साथ वॉरियर UCAV दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में भी सक्षम होगा। स्टेल्थ विमान रडारों की पकड़ में भी नहीं आएंगे, ये मौजूदा निगरानी सिस्टम के जरिए इन्हें पकड़ पाना बेहद मुश्किल होगा। वॉरियर ड्रोन भी लो ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा रहा है, और जिसका रडार में पकड़ आना नामुमकिन होगा। ASAT मिसाइल। ASAT एक अंतरिक्षीय हथियार है जिसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी कहा जाता है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल के अंदर बारूद नहीं होता, इसे काइनेटिक किल वेपन भी बोलते हैं। समान मिसाइल के टिप ऊपरी हिस्सों पर वॉरहेड लगते हैं, लक्ष्य पर टकराने के बाद वो मिसाइल ब्लास्ट होता है, जबकि एंटी सैटेलाइट मिसाइल काइनेटिक किल मैकेनिज्म पर काम करती है। इसके वॉरहेड पर एक मेटल स्ट्रिप होता है। ASAT सैटेलाइट के ऊपर जाकर मेटल स्ट्रिप को उसके ऊपर गिरा देता है,
जिससे वो सैटेलाइट आसानी से तबाह हो जाती है। यह मिसाइल किसी भी देश को अंतरिक्ष में सैन्य ताकत देने का काम करता है। अब तक यह शक्ति अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी, लेकिन अब अंतरिक्ष में महाशक्ति कहलाने वाले देश में भारत भी शामिल हो गया है। हालांकि अब तक किसी भी देश ने युद्ध में ऐसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन किसी युद्ध में दुश्मनों के संचार को खत्म करने, साथ ही जो सैटेलाइट मिसाइल को रास्ता बताते हैं, इन मिसाइल से उन सैटेलाइट को भी तबाह किया जा सकता है ताकि दुश्मन पूरी तरह से युद्ध में लाचार हो जाए। भविष्य का युद्ध काफी डिजिटल होने वाला है, इसलिए सैटेलाइट पर हमला युद्ध में आम हो जाएगा। और अगर युद्ध में भारत के सैटेलाइट पर किसी दुश्मन ने हमला किया तो फिर भारत भी उसके सैटेलाइट पर इस मिसाइल से हमला बोल देगा। UCAV घातक। घातक एक मानव रहित लाकू हवाई वाहन है। यह ऑटोनोमस जेट पावर्ड UCAV DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADA द्वारा विकसित किया गया है। यह UCAV भारत सरकार की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा मुख्य रूप से घातक UCAV को भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जा रहा है। इस UCAV के डिजाइन में IIT कानपुर का भी योगदान है। घातक UCAV को स्टिल्थ क्वालिटी देने के लिए इसमें मिसाइलों, बमों और अन्य गोला बारूद के लिए एक इंटरनल वेपन बे भी दिया गया है, यानी आप इसे एक छोटा बॉम्बर भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसका डिजाइन फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जो स्टिल्थ होने के अलावा ज्यादा हथियार और ईंधन भी ले जा सकता है। घातक UCAV के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में निर्मित स्विफ्ट UAV ने 1 जुलाई 2022 को अपनी पहली उड़ान भरी थी। स्विफ्ट NPO सैटम 36MT और TRDD 50MT टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित किया गया था, लेकिन घातक UAV इसका फुल स्केल वर्जन होगा, जिसमें स्वदेशी GTRE GTX 35VS कावेरी टर्बोफैन इंजन लगाया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2025 में UCAV घातक भारतीय वायुसेना का हिस्सा होगा और हमारे दुश्मनों की कमर तोड़ देगा। तो दोस्तों, आपको इन सभी हथियारों में से किस हथियार को देख कर लगा लाजवाब, घातक और शानदार? कौन सा हथियार सबसे अधिक पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।